घर के बगल में चल रहा है एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं दीपक कुमार ब्लॉग्स। आई होप आप लोग भी काफी सही होंगे, बट मैं नहीं हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 रिलीज हुई है, जिसको मैंने देखा और मुझे लगा कि मैंने क्यों देखा। आई डोंट नो यहाँ पे कितने फैंस होंगे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के, बट मैं भी था उसमें से। लेकिन जो फास्ट एंड फ्यूरियस 9 इन लोगों ने निकाली है भाई साहब, जो मतलब कचरा किया है ना इन लोगों ने। चलो मैं बता देता हूँ, स्पॉयलर्स है इसमें। अगर तुम लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस 9 नहीं देखी है तो जाके देख लो इस वीडियो से पहले। तो स्टार्ट करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 9। इसमें जॉन सीना जो कि विन डीजल का भाई का रोल कर रहा है, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि विन डीजल को लगता है कि उनके पापा को उसके भाई ने मारा, जॉन सीना। ये स्टोरीज तो ठीक है, चलो चलता है, स्टोरीज काफी बेटर है। लेकिन भाई इन्होंने सास बहु वाला सीरियल बना दिया है। हमारा एक लड़का जिंदा होके आ गया है मर के। चलो ये सब भी समझ में आता है, लेकिन साला कार को ये छोड़ना ही नहीं चाहते, स्पेस में कार ले गए। स्पेस में कार ले गए कुछ नहीं तो सीधा स्पेस। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फास्ट एंड फ्यूरियस मैन में तो ये स्पेस पहुंच गए, अब फास्ट एंड फ्यूरियस कहना मुझे लगता है मार्स पे रेस हो। भाई साहब ये मूवी देख के जो मेरी आंखों से आंसू निकले ना खून के, बता नहीं सकता मैं। अगर तुम लोग मूवी देखने जा रहे हो तो मैं कहूंगा फास्ट एंड फ्यूरियस छोड़ो, तुम लोग वो देख लो। सांची सही मूवी है। क्योंकि अब मार्वल्स में कुछ नए पन्ने खुलने वाले हैं मल्टीवर्स के, तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और पोस्ट क्रेडिट सीन भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें पोस्ट क्रेडिट सीन 2 हैं, क्योंकि मैं आखिरी वाला मिस कर चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। 8 तक तो सही थी मूवी, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस 9 थोड़ा बाहर हो गया, बोर्ड्स के बाहर हो गया। आज का मौसम वैसे बहुत अच्छा है, बादल वादल है चारों तरफ। अभी थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन फिर हर साल बारिश में रोड खराब होती है हर साल। अभी मैं दिखाता हूँ आगे चल के कितने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं यहाँ पे रोड में। फिर बारिश खत्म होने का वेट किया जाता है कि हाँ बारिश खत्म होगी उसके बाद ही रिपेयर होगी, लेकिन साला ऐसी रोड बनती है ना तो बारिश में गड्ढे हो जाते हैं हर साल। नाउ लुक गुम्मे भर दिए गुम्मे, जितने भी रेड फिर भी साइज से नहीं भर पाए बेचारे, गड्ढे तो है ही। इस तरफ देख लो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। गड्ढों के चक्कर में ना कार वाले भी गाड़ी सीधी नहीं चलाते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं वो लोग भी इधर उधर इधर उधर। मुझे अपने घर में अंगूर का पेड़ लगाना है, नो अंगूर
अंगूर, ग्रीन अंगूर, ब्लैक वाले दोनों, और कोई कलर भी आता है तो और कोई कलर भी बता दो, वो भी लगाना है मुझे। बरसात के टाइम तो जहाँ से तुमको पूरा हरा भरा दिखेगा, लेकिन वो भी सिर्फ मेरी साइड में, मेरे घर की तरफ और उड़ीसा टाइम, बस ये दो जगह जब तुम लोग जाओगे तो तुम्हें चारों तरफ हरियाली दिखेगी, और बाकी जगह तो सूखा है। मेरा एक और चैनल है दीपक कुमार शॉर्ट, अगर मेरे चैनल में घुस के आप चैनल्स वाला लिंक खोलोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, उसको फॉलो कर लें, क्योंकि मैं उसमें मूवी से रिलेटेड शॉर्ट डालूंगा, जो कि मैं आज से स्टार्ट कर दूंगा, पर डे एक शॉर्ट डालूंगा उसमें। ये है शहर, शहर मार्केट का नाम है, मिजाज तो पूरा शहर ही है, लेकिन शहर के अंदर शहर है, शहर एक बहुत ही बड़ा मार्केट है यहाँ पर, यहाँ हर चीज मिलती है, हर सामान मिलता है काफी कम दामों में। भारत सरकार आगे पीछे करने में रेडी नहीं है, बीच रोड पे खड़ी करके नौटंकी चल रही है, और ये हमारे शहर में बहुत बड़ी कोतवाली, और कोतवाली के जस्ट सामने हमें घुसना है रोड पर। शहर मेरे घर से 5 या 6 किलोमीटर है, और चित्रा का घर थोड़ा 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा अंदर साइड है। तो ये हमारे मित्र चित्रा श्रीवास्तव, और इनके पास आया एक नया पैकेज, इन्होंने खोला है, बोला है कि हम ही खोलेंगे। क्या है इसमें? सस्पेंस। भाग क्यों गया भाई? क्या है इसमें? कुछ और है क्या? ओह माय गॉड, ये क्या देख लिया? बासमती राइस। ओ वो क्या क्या अनबॉक्स किया है मैंने। ओ ये तो अडानी हो गया, अडानी विलमार फॉर्च्यून बासमती राइस। महंगी महंगी चीजें मंगा रहे तुम्हें चित्रा? हमारा थोड़ा विंटेज कलेक्शन वाला है वो, मंदिर मंदिर दिखा, मंदिर मंदिर थोड़ा घूमने निकले थे चित्रा के घर के बाहर, लेकिन बारिश होने लगी दोस्तों, चले मिलते फिर कल, लग रहा तेज हो जाएगी बारिश अब, बाय। एक और इन्फॉर्मेशन, डेंगू फैलने लगा है झांसी में बहुत ज्यादा।